हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक्स। आज का टॉपिक है हमारा गुड्स। गुड्स हिंदी में बोलेंगे उसको माल या वस्तु। अकाउंट की भाषा में हम माल को गुड्स बोलते हैं, वस्तुओं को, ठीक है। और अकाउंट्स के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गुड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुड्स है क्या। जो बिगनर हैं, जो स्टूडेंट्स अभी न्यू अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उनको गुड्स का मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुड्स का मतलब है माल, वस्तु। अब गुड्स कैसी हैं, अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आई होप आपको समझ आए। तो एक शॉप है मान लो फर्नीचर की शॉप है। तो जो शॉप का मालिक है वो क्या करेगा, पहले खरीदेगा, अपनी दुकान को चलाने के लिए वस्तुओं को खरीदेगा। क्या क्या खरीदेगा वो अपनी दुकान में रखेगा, चेयर्स रखेगा, टेबल रखेगा बेचने के लिए, ठीक है। और क्या होता है उसके अंदर, जैसे बेड, लकड़ी का कोई भी सामान है, फर्नीचर है, वो अपनी दुकान के अंदर लेके आएगा, फर्नीचर खरीद के लेके आएगा। वो किस लिए लेके आएगा, किस पर्पज से लेके आएगा, वो उनको सेल करने के लिए, बेचने के लिए। दुकान वो किस लिए कर रहा है, मतलब अपना माल बेचने के लिए, पहले खरीदेगा तभी बेचेगा वो। तो जो ये बेचने के लिए गुड्स आए हैं, सामान आया है, वो गुड्स है उसकी उसकी दुकान की, वो गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स ये हैं कि जो व्यक्ति, दुकानदार, ठीक है, बिजनेसमैन कोई भी वस्तु परचेज या सेल करता है, वो वस्तु गुड्स कहलाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक किराना शॉप है, उसके अंदर कितनी सारी दाल, चावल, ए टू जेड सारा सामान होता है, तो वो किस पर्पज से, वो सेल करेगा उसको, ठीक है, वो सेल के पर्पज से लेके आएगा। अब इन्हीं चीजों को, ये तो उनकी सेल करने के लिए। अब एसेट्स का कंसेप्ट आ गया इसी के अंदर, ये तो वो सेल करेगा। अब जो फर्नीचर वाला है, अगर वो एक जो चेयर है अपनी दुकान से उठा के अपने घर पे यूज करने के लिए ले जाएगा, वो उसका पर्सनल यूज हो जाएगा। अगर वो उसी शॉप के अंदर कोई कूलर ले आया, तो कूलर तो फर्नीचर के अंदर नहीं आएगा, एसी ले आया, वो भी मतलब वो बेचने के पर्पज से नहीं लेके आया, वो अपनी दुकान के अंदर लगाने के लिए लेके आया है, ठीक है। जो एसी आया है या कोई रेफ्रिजरेटर आया है, फ्रिज आया है, मतलब जनरेटर आया है, फ्रिज आया है, या फैन लेके आया है, वो मतलब यूज के लिए दुकान में बैठेगा वो इन चीजों को लगा के, तो वो उसकी दुकान की एसेट्स कहलाएंगी, वो गुड्स नहीं होंगी, वो गुड्स नहीं होंगी उसकी दुकान की, वो एसेट है उसकी। और जो बेचने के लिए लेके आया है वो उसके गुड्स है, और वो एसी को बेचेगा तो नहीं फर्नीचर की दुकान में, ना वो फ्रिज को बेचेगा, वो सिर्फ यूज करने के लिए लेके आया, तो वो उसकी दुकान की एसेट्स हैं, ठीक है। गुड्स पहले खरीदेगा किस पर्पस से, फॉर सेल के पर्पस से, बेचने के लिए, वो गुड्स है, और जो यूज करेगा वो उसकी एसेट्स है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसकी एंट्री होगी, अब मान लो परचेज गुड्स को खरीदेगा वो, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, मान लो उसने 20,000 की गुड्स ली है बेचने के पर्पज से, तो उसकी एंट्री मतलब क्या बनाएंगे हम रूल्स के अकॉर्डिंग, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप बोलोगे कि गुड्स को कभी भी डेबिट और क्रेडिट तो क्या नहीं जाता, तो आपने ये एंट्री कैसे कर दी। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ, गुड्स कभी भी क्रेडिट और डेबिट नहीं होती, गुड्स की जगह हम परचेज लिखते, क्योंकि परचेज किया उसने, तो ये एंट्री गलत है। तो हम लिखेंगे परचेज किया उसने, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे किया उसने, क्या गया है, टू कैश अकाउंट। बिजनेस में आया है गुड्स, परचेज करके आई है ना, तो वो परचेज, और क्या गया है, कैश। तो ये रियल अकाउंट का रूल है, रूल्स की मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो।
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इसी तरह मशीन को ही लिया है बिजनेस के लिए, वो भी इसी तरह मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी भी गुड्स को सेल और परचेज में एंट्री, सॉरी गुड्स को एंटर नहीं करेंगे डेबिट और क्रेडिट में, हमेशा परचेज और सेल को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी के अंदर फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग का। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अकाउंट्स की, उसमें 1 अप्रैल ईयर हम कोई भी ले सकते हैं, मान लो 2000, उसके बाद 31 मार्च को एंडिंग होती है और अप्रैल को नया साल इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया मार्च में, अब जो मार्च में बिना बिका हुआ माल बच गया, ठीक है, बिना बिका हुआ माल बच गया, वो हमारा स्टॉक कहलाएगा या अनसोल्ड, जो बिका नहीं है, अनसोल्ड गुड्स, या हम उसको क्लोजिंग, जो एंड में बच गया, मतलब क्लोज जो ईयर एंड हो रहा है उसके एंड में स्टॉक बच गया, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इसको क्लोजिंग अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा ये एसेट साइड, बैलेंस शीट में इसको हम एसेट साइड शो करेंगे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है एंड में बच गया ईयर के, अगर हम इसी स्टॉक को हम अप्रैल में लेके आएंगे, ये 21 का है, अब अगला साल स्टार्ट होएगा 2022 का अप्रैल का, तो जो एंड में स्टॉक खत्म हुआ था, जो सॉरी बच गया था, क्लोजिंग स्टॉक था, वो आके अगले साल में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जब ईयर ओपन होगा तो उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का बचा हुआ अगले साल उसको हम कवर कर लेंगे, उसको हम ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट कर लेंगे। और कौन कौन सी इसमें अकाउंट्स बनते हैं फाइनेंशियल में, फाइनल अकाउंट बनता है एक, फाइनल अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सभी गुड्स का यूज होता है कि क्या गुड्स सेल की हैं और क्या गुड्स परचेज, नेक्स्ट लास्ट में बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट। मैंने कैपिटल क्या है, एसेट्स लाइबिलिटी की वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मैं इन सबकी वीडियोस आने वाले टाइम में जरूर बनाऊंगी, फाइनल अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लास्ट में कैपिटल अकाउंट जरूर बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए। और एक दो एंट्री मैं और बता देती हूँ गुड्स से रिलेटेड, जिसमें कैश नहीं आएगा, सिर्फ गुड्स आएगा। अब मान लो पर्सनल यूज के लिए उसने चेयर, एसी, सॉरी फर्नीचर की दुकान है ना, तो पर्सनल यूज के लिए उसने अपना बेड ले लिया उसमें से, या टेबल ले लिया, तो बिजनेस में से क्या कम हो गई, जो गुड्स है वो कम हो रही है, तो गुड्स तो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया उसने, जो एक्सपेंस है मतलब खर्चा हो गया उसका, बिजनेस का खर्चा हो गया ना, क्योंकि निकल गया माल तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, पैसे नहीं आए हैं क्योंकि पर्सनल यूज था, तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएंगी। तो जो एक्सपेंस है उनको डेबिट करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, और टू परचेज, जो परचेज थी हमारी वो कम हुई है, पर गुड्स कम हुए हैं हमारे, तो वो क्रेडिट होंगे, गए हैं बिजनेस से, ठीक है। जो परचेज है मतलब गुड्स को हम नहीं यहाँ पे मेंशन कर सकते, तो वो परचेज थी, वो परचेज मेंशन होगी और क्रेडिट साइड मेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो रियल रियल है, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट एंट्री, मान लो फायर की वजह से हमारे गुड्स हैं जो वो सड़ गई है, सारी खराब हो गई है, मतलब नील जो गुड्स हैं वो कम हो गई बिजनेस से, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि लॉस हो गया, खर्चा हो गया,
तो खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट, और किसकी वजह से क्या कम हो गया हमारा, गुड्स कम हो गई है, तो गुड्स की जगह हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, खरीदी थी ना हमने, तो वो परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट रियल अकाउंट का, और इसमें हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स इसमें आ जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी गुड्स की से रिलेटेड एंट्रीज और गुड्स क्या है, आई होप आपको ये मेथड आज समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।